हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, इन दैट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 4 वी विल गो रीड द क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अभी इसमें ये बता रहे कि कौन सा पेयर, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस, पहले वो दिखाने का। अगर कंसिस्टेंट हो तो वो ग्राफ में ग्राफिकल वे पे करके दिखाना है, यानी ग्राफ बनाना है। ओके, अंडरस्टूड दिस वन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, दो इक्वेशन है अभी। a1 a2 तो हमें पता है, अब मैं दोबारा वो नहीं करने वाली हूँ a1 a2 करके। अभी a1 क्या है मेरा, इसमें 1 है, सॉरी 1 अपॉन a2 क्या है, 2 है। ओके, अब b1 अपॉन b2 देखते हैं ये सम्स में। b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2। c1 अपॉन c2 पे देखते हैं 5 अपॉन 10, 5 1 5 2 वो भी 1/2 है। सो ये क्या है, सिंस दिस इक्वेशन a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। ओके, ये तीनों इक्वेशन इक्वल है और ये क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट दे हैव अ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन है। ओके, सो दिस आर द कंसिस्टेंट। अभी ये क्या है, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट इक्वेशन हो तो क्वेश्चन पे क्या बताया था, जब वो कंसिस्टेंट होता है तो हमें ग्राफ फॉर्म पे लेना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे लेना है। अब फॉर फर्स्ट वाले पे, फॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन पे, और x की वैल्यू क्या है, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 माइनस y, 5 माइनस y। इसमें हम x और y का ये देखते हैं, x y दो ही करते हैं, x और y। अगर मैंने यहाँ पे x 1 लिया है, मैंने क्या लिया है, y 1 लिया है, दैट मीन्स 5, ये क्या कैसे करते हैं, 5 माइनस y, यानी 5 है तो 1 का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 1, सो 5 माइनस y क्या है 4, तो x का वैल्यू क्या होता है 4। अगर हमने यहाँ पे y 1 लिया है तो हमारा x क्या आता है 4। अब सेकेंड देखते हैं, अगर y मैंने इधर 2 लिया है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो क्या आया है, 3 आ गया है, 3 आया। अगर मैंने y 3 भी लिया है तो 5 माइनस 3, यानी x क्या आया, 2 आया। ध्यान में आया आप लोगों को, जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 माइनस y, वेन वी टेक y एज अ 1, y 1 होता है तो x की वैल्यू क्या होता है 4। इस तरह से फॉर्मूला करके देखने का, वाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 4। जब 2 हो तो एक्स 3 होता है, वाई 3 हो तो एक्स 2 होगा। ओके, ये आ गया ग्राफ फॉर्म पे। अब दूसरा फॉर्म क्या है हम वो देखते हैं। फॉर दूसरे इक्वेशन पे क्या है, फॉर 2x + 2y इज इक्वल टू 10। ओके, अब मैंने यहाँ पे 2x तो ले लिया है, सो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्म करते हैं x और y पे, x y। ओके, अभी जब मैंने यहाँ पे y1 लिया, यानी x इज इक्वल टू क्या है, 10 माइनस 2 1 अपॉन 2। 10 माइनस 2 अपॉन 2 कितना है, 8 अपॉन 2, तो 4 आ गया, तो x 4 आ गया। ओके, एस इक्वल जब हमने y 2 लिया है,
यहाँ पे y 2 लेती हूँ मैं, सो x क्या है y के वैल्यू में 10 2 डालते, 2 2, तो 10 माइनस 2 2 जा 4, 4 अपॉन 2, 10 माइनस 4 कितना है 6, 6 अपॉन 2 क्या है, 2 के टेबल पे 6 का बात है 3, सो x हमारा 3 आता है। जब मैंने y 3 लिया है, यहाँ पे 3 लिया है, सो 2 इंटू 3 कितना है 6, 10 माइनस 6 कितना है 4, तो 2 में से 4 जाएगा तो 2, x की वैल्यू 2 आता है। ओके, ये मैंने फॉर्म कर दिया है। अब भी यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफिकल फॉर्म देखना है ना, तो हम मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है, तो मैं जस्ट आपको रफली बता देती हूँ कि किस तरह फाइंड करना है। अभी मेरे x 4 ही लास्ट है, ओके, सो 1 2 3 4 5 6 तक x ले लिया है, और y क्या है 1 2 3 1 2 3, तो y भी मैंने ले लिया है, कितना है 1 2 3, ओके, सो y इधर 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है y है। जब y 1 है, y 1 हो तो x 4 है, ओके, x यहाँ पे 4 है, x 4, तो 1 कहाँ पे आया, यहाँ पे 4 1 डाल दिया। जब x 3 है तो y 2 है, x का है 3, y का है 2, सो यहाँ पे 3 अपॉन 2। अब जब x 2 है तो y का है 3, तो 2 अपॉन 3, ओके, तो ये लाइन मैंने क्या फॉर्म किया है, ये जो डॉट को मैंने एक साथ ले लिया है, ओके, फर्स्ट इक्वेशंस क्या था हमारा, x प्लस y इज इक्वल टू 5, ओके, स्ट्रेट हो गया। अभी सेकेंड वैसे ही देखते, जब x 4 है तो y 4 आया यहाँ पे, ओके, एक्स 3 है तो y 2, एक्स 3 तो y 2, अगेन इट केम द सेम लाइन। अब x 2 है तो y 3 हो गया, ये भी सेम हो गया, ओके, अब इसमें क्या हुआ, ये सेम है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओवरलैप लाइन किया, उसके ऊपर से ही आया है, तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। इन फिगर वी सी दैट द लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर है, एक दूसरे के ऊपर लाइन आ गया है, और उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस निकले, ओके, दैट इज अ इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। समझ में आ गया आपको फर्स्ट वाला। अब सेकेंड सम्स है, सेकेंड वाले में सम्स देखती हूँ, उस पर ये सेकेंड सम्स, इसका क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 देखेंगे, a1 क्या है मेरा, a1 है, ओके, अपॉन a2 क्या है, 3 है, 1 अपॉन 3 है क्या, b1 अपॉन b2 देखते हैं, b1 माइनस 1 है, और माइनस 3 जाएगा तो 1 अपॉन 3 हो गया, C1 अपॉन C2 क्या है, C1 8 है और C2 क्या है 16, दिस 1 अपॉन 2, मीन्स दिस इज नॉट अ इक्वल, सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल, A1 और A2 दोनों इक्वल है 1 अपॉन 3, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये दोनों देखो 1 अपॉन 3 आता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यहाँ पे 1 अपॉन 2 होता है, इज नॉट इक्वल, ओके, सो दिस इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, कोई सॉल्यूशन नहीं है, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया, द इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट वो इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2, तो उसको बोलते हैं पैरेलल टू ईच अदर, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है,
वो इंटरसेक्ट नहीं होती। ओके समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन फोर पे वन एंड टू पार्ट, अब दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो पे लूंगी। तब तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे सेंड कीजिएगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर एक न्यू वीडियोस की अपडेशंस मिलती रहेगी। थैंक यू।